झारखंड राज्य में गंगा सिर्फ साहिबगंज जिले से होकर गुजरती है, इसीलिए यहाँ के निवासियों के लिए गंगा का उनके जीवन में विशेष महत्व है। सीवरेज प्रबंधन की पूर्ण व्यवस्था न होने से यहाँ के प्रमुख शहर साहिबगंज और राजमहल का सीवेज अनियंत्रित रूप से गंगा में मिलकर उसे प्रदूषित कर रहा था। इसकी रोकथाम के लिए यहाँ नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत राजमहल में 1 STP और साहिबगंज में 2 STP के निर्माण की मंजूरी दी गई। इनमें से साहिबगंज के घोरमारा में 50 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता का एक नया STP और कबूतर खोपी में 70 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता के नए STP का निर्माण पूरा हो चुका है। साथ ही सीवरेज प्रबंधन से जुड़े 5 इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशंस, 2 मेन पंपिंग स्टेशंस और 53 किलोमीटर का सीवर नेटवर्क भी शामिल है। इनमें आने वाले 10 साल तक सीवरेज प्रबंधन का ऑपरेशन और मेंटेनेंस का कार्य भी शामिल है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 146.62 करोड़ की लागत की इन सभी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। यहाँ के निवासियों को गंगा किनारे स्वच्छ और सुंदर घाट मिले, इसलिए नमामि गंगे योजना के अंतर्गत 14 घाटों के निर्माण को मंजूरी दी गई, जिनमें से 6 घाटों का निर्माण पूरा हो चुका है। माँ गंगा की पवित्रता और अविरलता के प्रति भी हमारी प्रतिबद्धता है। मुझे खुशी है कि हमारे प्रयासों के परिणाम भी धीरे धीरे दिखने लगे। नमामि गंगे का अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे निर्मल और अविरल गंगा का लक्ष्य नजदीक दिख रहा है। हम पूरी ईमानदारी के साथ, साफ नियत के साथ गंगा जी को स्वच्छ करने के अभियान में जुटे हुए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुसूदन कॉलोनी घाट का लोकार्पण करेंगे। साहिबगंज निवासी और नमामि गंगे अभियान की इस एकजुटता से आने वाले समय में साहिबगंज से गंगा पश्चिम बंगाल और अपने गंतव्य गंगा सागर के लिए अविरल और निर्मल अवश्य बहेगी।